इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात रुकमणी पब्लिकेशन का, ये करंट अफेयर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल माई इंडिया से जुड़ के इसको सपोर्ट कीजिए और इसका इंजॉय लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी करंट अफेयर से इर्द गिर्द प्रॉब्लम आते हैं सारा इसमें हो जाएगा और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे लता मंगेशकर जी का जो भी देहांत वगैरह हो गया है तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, और सब जो भी रूस यूक्रेन विवाद हुआ था, रूस यूक्रेन में जो भी यहाँ पे जंग वंग हुआ था, तो वो उसके बाद लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929, निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। उसके बाद यहाँ पे बम्पी लहरी, जो कि यहाँ पे इनका जन्म 27 नवंबर 1992 और निधन 2020 को हो गया। उसके बाद इसी प्रकार राहुल बजाज जी हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे तो देख रहे होंगे यहाँ पे द प्लेटफार्म, जो कि पटना का बहुत बेस्ट कोचिंग माना जाता है रेलवे वगैरह के लिए, तो उन्हीं के बुक से हम ये करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करंट अफेयर की श्रृंखला में हम नवीनतम समसामयिक की वन लाइनर की का डिस्कस करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक है। तो यहाँ पे दिया हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने के तांजी ब्राउन जैक्स को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में मनोनीत किया। नेक्स्ट है कि अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूपेश पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याशित प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयास का नेतृत्व सी समीरन गुप्ता को नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्व ICICI बैंक माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्ष करने वाली ही पहली गैर IAS भी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि ओडिशा के आखिरी ओडिशा की आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री एवं राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। उसके बाद और आगे झारसुगुड़ा जिले के भुइया आदिवासी बिस्वाल ने 1989 से 1990 और 1999 से 2000 में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद और आगे है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अमिताभ कांत को नए ई गवर्नेंस डिजिटल का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट डिश टीवी इंडिया के भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक IDBI ने राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। उसके आगे आएंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नीतीज पर
जेपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद कंपनी के CEO और MD के रूप में संजीव कुमार मेहता कार्यकार रहेंगे। तो संजीव कुमार मेहता यहाँ पे कार्यकार रहेंगे। उसके बाद और आगे वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल को प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद EACPA आर्थिक मामलों के प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गणतंत्र निकाय है। उसके बाद और आगे आएंगे तो वो वृद्धि मलयालम फिल्म और लॉन्च और मंच अभिनेत्री KPAC ललिता का निधन हो गया है। उन्होंने मलयालम और तमिल फिल्मों में 500 से अधिक फिल्मों का में अभिनय किया था। और आगे आएंगे उन्हें 1999 में आसाराम के किरदार हेतु एवं 2000 में सातम हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वे 5 वर्ष केरल संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष भी रही थी। उसके बाद भारत रबर बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक तो यहाँ पे KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टेट ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया। और आगे आएंगे तो आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आदमकूर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विचारों के सचिव संजीव मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया। उसके बाद और आगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में अपनी वैकल्पिक निवेश इस नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इस समिति में कुल 20 सदस्य हैं। उसके बाद और आगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला FIDE मास्टर्स जो कि तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिदिका को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके बाद और आगे हरियाणा की तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीती थी। उसके बाद और आगे जापान ऑटो कंपनी होंडा मोटर्स ने होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में ताकुआ तुमुरा को नियुक्त किया है। उसके बाद गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। तो शकुंतला चौधरी कौन थी तो यहाँ ये तो पूछता है। उसके बाद और आगे वे शकुंतला बाई देवी के नाम से जानी जाती थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह असम के कामरूप में रहने वाली थी। उसके बाद टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका
बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी का निधन हो गया। वह अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्ट के लिए लोकप्रिय थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, उन्होंने इकोनॉमिक टॉपिक में वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया था। उसके बाद आर्थिक विकास स्थान ने चेतन आर्ट को अपना नया निर्देशक नियुक्त किया। इस संस्था भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसके बाद आर्थिक विकास ने चेतन तो आर्थिक विकास ने चेतन को अपना नया निर्देशक नियुक्त किया। यह संस्था भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसके बाद भारत के पूर्व फुटबॉलर सुजीत सेन गुप्ता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये बैंकर थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का एक हिस्सा था। उसके बाद सेवानिवृत्ति वाई एडमिरल जो अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। उसके बाद NMSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय के साथ काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। तो और आगे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल डिजिटल वर्क्स ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी ने A23 गेमिंग एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को नामित किया है। उसके बाद कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चनवीरा कानवी का निधन हो गया है। उसके बाद समन्वय कवि तुल ने कवि के रूप में जाना जाता था, तो समन्वय कवि सुलह के कवि के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद और आगे कानवी को जीवाध्वनि कविता के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी जो कि बिहार के हैं बिहार खादी तथा अन्य हस्त शिल्पी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके बाद मनोज तिवारी से जो भी पहले अभिनेता पंकज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके बाद बंगाली गायिका श्री गीता संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। उन्होंने केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म श्री पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का, तो बप्पी लहरी हमने स्टार्टिंग में भी बताए थे, तो उनका भी निधन हो गया। उन्हें प्यार से बप्पी दा कहा जाता था। उसके बाद उनका असली नाम लोकेश लहरी था। 2014 के भारतीय आम चुनाव में उन्हें पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया, परंतु वे चुनाव में हार गए थे।
उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नए अध्यक्ष विनीत जोशी जी को बनाया गया है। तो और करंट अफेयर्स के श्रृंखला में और आगे के बाद विनीत जोशी शिक्षा मंत्री के उच्चतम शिक्षा विभाग के आंतरिक सचिव हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय एजेंसी के महानिदेशक भी हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को दिल्ली के उच्च न्यायालय के प्रशासन को की समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ इंकर आयसी को नियुक्त किया गया। वह 1 अप्रैल 2022 तक पदभार संभालेंगी। ये टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में और आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो एक विशेष संसदीय सभा द्वारा जर्मन के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर इस्नीमियर को 5 साल के दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्त किया गया है। उसके बाद इस्टीमियर को पहली बार 2017 में 74% वोटों के साथ राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उसके बाद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए चुना गया है। उसके बाद बुर्किना फारसो ने सैन्य तख्ता पलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पाल हेनरी साडोगो दामिबा को देश का आंतरिक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद एग्री टेक एक ऐप कृषि नेटवर्क संचालक कल्टीनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद चार धाम पर सुप्रीम कोर्ट का उच्च अधिकार प्राप्त होने के लिए रवि चोपड़ा उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ी करने की अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सड़कों को डबल लेन चौड़ी करने की अनुमति दे दी है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में और आगे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन जो कि राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्होंने 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ब्लूक मैट्रीग्रियर का निधन हो गया। इन्होंने एड्स का कारण बताने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। उसके बाद और आगे, इससे पहले समिति के अध्यक्षता IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर अब्राहम कोसी ने की थी।
उसके बाद और आगे आएंगे, यह 8 सदी समिति है। समिति के सदस्य विजय कुमार बेकटर मन ब्रीड अग्रवाल ए बाला सुब्रमण्यम एम मजी परमेश्वरन जी पी गर्ग एन हरियन और जयंत जस हैं। उसके बाद टाटा संत प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड ने दूसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एस चंद्र शेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उसके बाद उच्च मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद और आगे कर्मचारी चयन आयोग, जिसे एसएससी कहते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं एस किशोर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद वर्तमान में वन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा का नया सचिव संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया ने अपने बोर्ड की का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद बी आर चोपड़ा क्रिट टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं के पूर्व एथलेटिक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने हैमर और डिक्स थ्रो के विभिन्न एथलेटिक स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो कंपटीशन में पूछता है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो करंट अफेयर की श्रृंखला में और आगे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए और आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाटा इंडिया लिमिटेड के बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटिल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उसके भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफार्म मेडिबल ने दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे VSSC के निर्देशक के रूप में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायन को नियुक्त किया है। उसके बाद 6 फरवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ, जो कि द्वितीय एलिजाबेथ ने शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इनका जो है 70वीं वर्षगांठ मनाया गया है महारानी एलिजाबेथ का। उसके बाद इससे फ्रांस के लुई 14वें एक सप्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में पीछे छोड़ दिया।